इट्स मी सेंजू थापा और आज का ट्यूटोरियल है बेफ्री से हेडस्टैंड कैसे करें। सो आज का वो ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को ये समझ में आए और आप लोग अच्छा से घर पे इसे होम पर ट्राई करें और सीख ले आराम से। सो ट्यूटोरियल साइड चलते हैं। पहले बैठने का पोजिशन ध्यान देना है कि पोजिशन हमेशा बैठेंगे कैसे, इस तरह ऐसे करके चुकमुक में बैठ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग करना क्या है कि पैर को जो है राइट लेग को आगे कर लेना है, ये राइट लेग, जिनको आदत है लेफ्ट से लेफ्ट से कर सकते हैं, जिनको आदत है राइट से कर सकते हैं। सो मुझे राइट से आदत है तो मैं राइट से करके दिखा रहा हूँ। सो लेफ्ट से करने वाले लेफ्ट ले सकते हैं। सो आपको करना क्या, दोनों हाथ को ले लेना है बिल्कुल, और बिल्कुल लेने के बाद इस हाथ को इस तरह रखना है, ठीक है। देखिए इस तरह पे ये हाथ एक से सामने बिल्कुल, ठीक है, हाथ रख देना है। रखने के बाद करना क्या है कि यहाँ पे हड्डी होती है ज्वाइंट, यहाँ पे ज्वाइंट वाली हड्डी, और यहाँ पर जो है हिप, और यहाँ पे किडनी के बीच में जो पड़ता है जो हड्डी, सो उसी के ऊपर जस्ट रखना है हमको ये दोनों कुंजी को जस्ट उसी के पास रखना है, यहाँ और यहाँ, ठीक है। उसके बाद अब करना क्या है कि बिल्कुल आपको पैर इस तरह रख लीजिएगा, हाथ को कुंजी को यहाँ फंसाइएगा, और इधर जो है कुनी, ये दूसरा कुनी जो है उसको यहाँ फंसाइएगा कमर के पास से, रखने के पास, ठीक है। उसके बाद करना क्या है कि हाथ को रखना है जमीन में बिल्कुल एक दूसरे सामने रखिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, मूली को जो है आपको सर बिल्कुल उधर जाना चाहिए, ओके, तो सर बिल्कुल ले जाना उधर, और आपको ये पैर जो है वो पीछे घसना है, ये क्यों, क्योंकि पीछे से हम लोग हल्का सा पुश करेंगे बॉडी को ताकि बॉडी उधर की ओर गिरे, ठीक है। उसके बाद हम लोग हाथ इस तरह रख लेंगे, उसका वेट डालना शुरू कीजिएगा हाथ पे। सो आप लोगों को पहले थोड़ा सा बॉडी बिल्डर होना पड़ेगा ताकि आपको जो हाथ पे जो वेट लेने वाले हैं वो आराम से संभाल लें, ओके। सो थोड़ा मोड़ा डिप्स उस मार लीजिएगा ताकि आप लोगों को बॉडी को थोड़ा ताकत मिल जाए। सो अब इस तरह रखने के बाद बिल्कुल कोशिश कीजिएगा कि हाथ से बैलेंस, ठीक है, और ये पैर को जो है उठाना है और इसको दूर करना है, ये ओके। उसके बाद करना क्या है कि आप मिस्टेक क्या करते हैं, सब लोग जितने भी बेफ्री जो करते हैं वो करते क्या है कि ये हाथ जो है ना, ये हाथ को दूर रखते हैं, नहीं, ये हाथ को दूर नहीं रखना है, ये आपको बिल्कुल इसे क्लोज रखना है, ठीक, ऐसे, ओके, हाथ बिल्कुल सीधा एंड दूर, और मूड़ी को, ठीक है। उसके बाद आप इसको तुरंत ही ये बैलेंस कर सकते हैं, ये तो ये आपको प्रैक्टिस करते 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 ये आ जाएगा, तो आप लोग आराम से इसको कर पाएंगे। उसके बाद करना क्या है कि फिर इसको लेग को क्रॉस कर दीजिएगा हवा में, सो 1 2 3, ओके। सो आप हेड स्टैंड से, हेड स्टैंड में जाने के लिए यहाँ से आपको प्रोसेस ध्यान क्या रखना है, सो मैं बताने वाला जो हेड स्टैंड वो नॉर्मल हेड स्टैंड है, आप उसमें कुछ भी ट्रिक आजमा सकते हैं वरना बीबॉइंग ज़्यादा क्लियर दिखने के लिए, ठीक है। सो पहले हम लोग करेंगे रिवर्स बेबी फ्रीज, ओके। रिवर्स बेबी फ्रीज कैसे होता है, सो मैं जो किया था सेम वही करूँगा, बेबी फ्रीज, ओके। ये करने बाद क्या करना है आपको, ये करने बाद ये पैर को ले जाना है, लेफ्ट पैर को आगे लाना है और राइट पैर को पीछे ले जाना, ओके। सो 1 2 बेबी फ्रीज एंड लेग खोले और फंसा लिए, ठीक है। तो ये रिवर्स बेबी फ्रीज, ओके। सो ये दोनों आप कर लीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा हाथ पे बैलेंस आ जाएगा, और रिवर्स फ्रीज थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, सो वो जो बेबी फ्रीज कर लेगा रिवर्स फ्रीज तुरंत कर लेंगे, सो दिक्कत नहीं होगा। सो उसके बाद करना क्या है, हेड स्टैंड जाना है, ओके। सो सिंपल सा ट्रिक करना है इसमें कि आप देखे होंगे कि बहुत को हाथ पे जंप करता है, सो वही चीज़ हम लोग करेंगे पैर के साथ, पैर को ऊपर की ओर किक करेंगे और हाथ से ऊपर की ओर पुश करेंगे। सो अभी मैं दिखाने वाला हूँ, देखिए फ्रीज, पे फ्रीज, रिवर्स फ्रीज, हेड स्टैंड करने के लिए यहाँ से किक किक, दोनों को एक साथ किक करना है, तो आपको क्या होगा बैलेंस मिलेगा धीरे धीरे और आप रिजर्व कर पाएंगे, ओके। एंड हाथ से क्या करना है, प्रेशर देना है, ओके, इससे ऐसे, और मुड़ी ऐसे ऐसे है, ओके, मुड़ी जो ऐसे आता है ऐसे ना, वो ऐसे हो जाएगा, ओके, और हाथ को जो है वो पूरा उठाने की कोशिश कीजिएगा, ओके। सो 1 2 3 रिवर्स फ्रीज
एंड हेट हेट एंड फंसा लेंगे उसके बाद उसे बैठ के इसको यो करेंगे ओके सो आप लोग ये समझ में आ गया होगा आई थिंक सो अगर समझ में आ गया तो मुझे बताने जरूर कोशिश करें कमेंट सेक्शन में ताकि मैं अपना और बेस्ट दे सकूँ अपने समझाने का पसंद आया तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को सीधा और अपना प्यार देते रहें जिनको सीखना है वो सब्सक्राइब जल्दी करें ताकि मैं ऐसे ट्यूटोरियल आता रहूँगा आप लोग अपने घर पर आराम से बैठ कर सीख सकेंगे कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सो तब तक लिए नमस्कार सत श्री अकाल आदाब और मिलते हैं अगला ट्यूटोरियल वीडियो में सो बाय